गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. अभी तक हमने क्या किया है, हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट किया है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन किया है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन किया है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सॉलिड क्या होता है. ठीक है, टॉपिक में आने से पहले हमें उसका टॉपिक का नाम क्या है, मतलब क्या है, वो पता होना चाहिए. हमने पॉइंट के बारे में बात की थी. क्या होता है पॉइंट? ए सर्कल विदाउट रेडियस और विच हैज नो डायमेंशन. लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन और स्ट्रेट लाइन. प्लेन, विच हैज ओनली टू डायमेंशन, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ, नॉट द थिकनेस, और यू कैन से नेग्लिजिबल थिकनेस. ओके, एंड नाउ इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड मीन्स सॉलिड विच हैज थ्री डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ऑल द थ्री डायमेंशन. अ सॉलिड बॉडी, माई ह्यूमन बॉडी इज अ 3D बॉडी. ठीक है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तीनों चीज होती है ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या होता है, टॉपिक क्या है हमारा, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. तो प्रोजेक्शन हमने वर्ड बार बार पढ़ा है. प्रोजेक्शन क्या होता है, इमेज ऑफ एनीथिंग और शेडो ऑफ ए बॉडी. ठीक है, कोई भी सॉलिड बॉडी है उसकी एक शेडो जो होती है वो क्या, उसकी प्रोजेक्शन है. लेकिन ये डेफिनेशन क्या है, लेमेंस लैंग्वेज में, लेमेंस लैंग्वेज में. लेकिन अगर एग्जैक्ट मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर हमें प्रोजेक्शन को डिफाइन करना है तो मेरे पास कितनी चीजें होनी चाहिए, मेरे पास चार चीजें होनी चाहिए, चार थिंग्स होनी चाहिए मेरे पास. कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी मुझे प्रोजेक्शन देखनी है, वो मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए. दूसरा ऑब्जर्वर होना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए. तीसरा लाइट सोर्स होना चाहिए. ठीक है, लाइट सोर्स होना चाहिए, तभी लाइट सोर्स हुआ तभी तो वो विजुलाइज होगी वो चीज. चौथा हमारे पास प्रोजेक्टिंग प्लेन होना चाहिए. अगर मैं कहूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक मार्कर है, ऑब्जेक्ट है, मुझे क्या करनी है, प्रोजेक्शन देखनी है. सबसे पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर इसको ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए. तीसरा लाइट सोर्स होना चाहिए ताकि ये विजुलाइज हो जाए. चौथा यहाँ इसकी प्रोजेक्शन बनेगी कहाँ, इसकी शेडो जाएगी कहाँ. ठीक है, वो प्रोजेक्टिंग प्लेन होना चाहिए. ठीक है, तो ये चारों चीज मिलकर मैंने डिफाइन किसको करनी है, प्रोजेक्शन को डिफाइन. ठीक बात है, सिलेबस के अंदर डिफाइन है वो हमारे पास मेनली चार फोल्ड डिफाइन. कौन कौन सा, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म और पिरामिड. ठीक है, हमारे पास सिलेबस में मैं कहूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ या MD यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, IP यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है उसके अंदर मेनली हमारे पास चार सॉलिड्स को रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर, सिलेबस के अंदर. ठीक है, कौन कौन सा, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर और कोन. ठीक है, वैसे हमारे पास जो सॉलिड होते हैं वो छह टाइप के होते हैं. कौन कौन से, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, इसके अलावा क्यूब और टेट्राहेड्रॉन. ठीक है, ये हमारे पास मेनली कौन से होते हैं, छह हमारे पास सॉलिड अवेलेबल होते हैं. ठीक बात है, तो हम क्या करेंगे, आज जो हमारे सिलेबस के अंदर हमारे पहले चार आते हैं, पिरामिड, प्रिज्म, कोन और सिलेंडर, हम इन चार को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी टर्म्स होती है, छोटी छोटी टर्म्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें न्यूमेरिकल अगर किसी चीज का सोल्व करना है तो किसके बेसिस पे हमें जो स्टेटमेंट देता है उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर वो हमें सॉलिड के अंदर नहीं पता, एज क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, बेस क्या होता है, फेस क्या होता है, अपेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, अगर हमें इन वर्ड्स की नॉलेज नहीं है तो हम वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते. तो जो मेरा आज का लेक्चर है, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, वो एक बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर है, इन डेफिनेशंस के ऊपर है, जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं, मैं उन टर्म्स को बताऊंगा आपको, ये टर्म्स होती क्या है डायग्राम के अंदर. ठीक है, मैंने सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पिरामिड की. पिरामिड कैसा होता है भाई, एक ये शेप होती है भाई, एक पर्टिकुलर नीचे बेस होता है. क्या होता है पिरामिड में, एक पर्टिकुलर नीचे कोई पर्टिकुलर शेप का एक बेस होता है. ठीक है, और ऊपर एक सिंगल पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपेक्स या वर्टेक्स बोलते हैं. सभी जो पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं बात करूं सामने वाली इमेज कौन सी है, ये पिरामिड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पिरामिड के अंदर क्या है, ये कौन सी शेप, अभी स्क्वेयर, स्क्वेयर शेप. अभी हम बात करते हैं जो पिरामिड होता है, प्रिज्म होता है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ये पिरामिड कौन सा है, प्रिज्म कौन सा है. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास, इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास. जैसे जो नीचे का जैसा बेस होगा ना, जैसे उसकी शेप होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको उसका नाम देंगे. ठीक है, बात है, मैंने क्या कहा, जैसा भी मेरा प्रिज्म या पिरामिड का जो बेस होगा उसकी जैसी शेप होगी, ट्रायंगुलर होगी, स्क्वेयर होगी, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, जैसा उसका शेप होगा बेस का, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम देंगे. ठीक है, तो मेरा पिरामिड और प्रिज्म कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं, स्क्वेयर हो जाता है, ट्रायंगुलर हो जाता है, पेंटागन हो जाता है और हेक्सागन हो जाता है. ट्रायंगुलर बहुत कम यूज होता है, ट्रायंगुलर बहुत कम यूज होता है, और पेंटागन और हेक्सागन मैक्सिमम यूज होते हैं. ठीक है, मैक्सिमम हमारा पेंटागन और हेक्सागन, जो क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते हैं वो मेनली पेंटागन और हेक्सागन से ही आते हैं.
ठीक है, अगर ये मैं बात करूं, अगर मैंने पेंटागन पिरामिड यहाँ पे बना रखा है तो ये कौन सा है, नीचे बेस देखो भाई, बेस कौन सा है, ए बी सी डी, बेस कैसा है, स्क्वायर है, कैसी शेप है, स्क्वायर, ये तो क्या हुआ, स्क्वायर पिरामिड मैंने बना रखा है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये क्या है, ये कौन सा है अभी, 1 2 3 4 5 6, कितनी साइड्स है, 6, ये कौन सा है, हेक्सागन पिरामिड है, ये क्या मेरा, हेक्सागन पिरामिड है। मैंने क्या कहा, हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट होता है ऊपर टॉप में, हमारी हाइट जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे मुझे क्या मिलता है, अपनी हाइट जो मिलती है, जो सॉलिड की बात हमने कही है, हमने कहा था तीनों चीज होती है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होती है, तो ऊपर मैं क्या शो कर रहा हूँ, इसकी हाइट, सॉलिड की हाइट। और हम हाइट कहाँ पे शो करते हैं, हम हमेशा हाइट जो करते हैं एक्सिस पे शो करते हैं। ध्यान रखना, जब भी सॉलिड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक्सिस के अकॉर्डिंग आता है, जो हाइट देगा वो कहाँ से मेजरमेंट होती है, एक्सिस से मेजरमेंट होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो मैंने क्या कहा, कैसा बना है ये पिरामिड, कैसा है, स्क्वायर पिरामिड है मेरा, ठीक है, उसके पर्टिकुलर हाइट है, उस हाइट पॉइंट पे मैंने कट किया और हर एक पॉइंट को मैंने क्या किया, मिला दिया, ठीक बात है, ये मेरा क्या बन गया भाई, ये पिरामिड बन गया, कोई एक ऐसी शेप मेरी बन गई जिसके अंदर साइड फेसेस कैसे बने, जब मैं इस पॉइंट को, दो पॉइंट्स को मिला के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर फेसेस मिल रहे भाई, ध्यान रखना, इसके अंदर पिरामिड के अंदर जब मैं ऊपर लाइन को सिंगल पॉइंट के ऊपर मिलाता हूँ, मुझे क्या मिलते हैं, ट्रायंगुलर फेसेस मिलते हैं, ठीक है। हम इसकी एक करके डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं पॉइंट्स के बारे में। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर कौन सा होता है, कॉर्नर इसी तरह जब दो लाइंस मिलती हैं तो वह एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो मेरा पॉइंट कौन सा होता है, वो कोई भी कॉर्नर होता है, ठीक है। कॉर्नर मीन्स वन पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें बेस की अपना, तो क्या है, ये मेरा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, तो ये हरेक पॉइंट क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, कॉर्नर है। कॉर्नर क्या लिखा मैंने इसमें साथ में, वन पॉइंट, जो सिर्फ एक पॉइंट को डिनोट करता है, मतलब मैंने अगर पॉइंट कॉर्नर पॉइंट मैंने इसको डिनोट किया, ये क्या है, डी पॉइंट है, एक पॉइंट है सिर्फ, ये कौन सा है, कॉर्नर पॉइंट सी, कॉर्नर पॉइंट डी, कॉर्नर पॉइंट ए, ठीक बात है, कॉर्नर मीन्स सिंगल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म जो आती है इंपॉर्टेंट, वो होती है एज, या हम बोलते हैं एज ऑफ बेस, क्योंकि हम बेस की कर रहे हैं भाई, ये मेरी, ये जो बात कर रहे हैं, मैंने कहा देखा सबसे पहले नीचे क्या था मेरा, कैसा जो भी मेरी शेप होगी उसका, उसको हम नीचे लिखते हैं बेस, ठीक है भाई, बेस कैसा होगा मेरा, जो मेरा पेंटागन है, हेक्सागन है, क्या है, नीचे वाला जो बेस है, उसके अकॉर्डिंग तो हम उसकी नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। बेस के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे, लाइन का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, वो कौन सा पॉइंट हो गया, उसको हम बोल रहे हैं कॉर्नर, ठीक बात है। कॉर्नर के बाद बात आई कि भैया एज क्या होता है, एज, एज मीन्स क्या लिखा मैंने, एज इज इक्वल टू टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट भाई, दो पॉइंट्स को मिलने से क्या बनती है, मैंने डेफिनेशन अभी बताई थोड़ी देर पहले लाइन की, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है, दो पॉइंट्स के मिलने से जो एक लाइन बनी है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, एज बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान करना इसे, कोरिलेट करो इस चीज से, ठीक है। तो पॉइंट बी और सी क्या बना रहे हैं, दो पॉइंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, ये मेरा क्या है, एज है। सी और बी मिलकर मेरे क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, ये मेरा क्या है, एज है। ए और बी मेरे दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, वो क्या मेरा, एज है। तो ये डी ए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, क्या है मेरा, चारों क्या है मेरे, अलग अलग क्या है, एज है मेरा, क्या है ये, कौन सी शेप है, स्क्वायर है, तो मेरे एज कितने बने, चार, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक बात है। अगर मेरा पेंटागन होते तो कितने बनते, पांच, हेक्सागन होते तो कितने बनते, छह, उसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर चेंज होता रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक भाई। बात होगी हमारी बेस की, बेस हमारा कौन सा है, जैसा हमारा बेस होगा, जैसी हमारी शेप होगी, वैसा हमारा क्या होगा, नॉमेनक्लेचर होगा, नेम होगा, नाम होगा उसका, इसका पिरामिड का, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कॉर्नर्स की, जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। फिर हमने बात की लाइन की, लाइन कौन से होते हैं, दो पॉइंट, जो उसको हम बोलते हैं एज, या एज ऑफ बेस, ध्यान रखना भाई, जो टर्म यूज होती है एग्जाम के अंदर वो होती है एज ऑफ बेस, ठीक बात है, बेस के एजेस, ठीक, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद बात करते हैं तीन पॉइंट की, पहले हमने बात की एक पॉइंट की, फिर हमने बात की दो पॉइंट की, अब बात करते हैं तीन पॉइंट, तीन पॉइंट में हमारा क्या बनता है, अभी अभी मैंने बताया था कुछ आपको, अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या था, दो पॉइंट ये थे भाई, दो पॉइंट को मैंने बनाया, मेरे पास क्या मिल गया, एक मुझे लाइन मिल गई, ठीक बात है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ये तो एज और ऊपर का अपेक्स पॉइंट, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं तो मुझे क्या मिलता है, एक फेस मिलता है, क्या बनता है, एक फेस, और वो फेस कैसा होता है, ट्रायंगुलर फेस होता है, किसके केस में, पिरामिड के केस में, वो पेंटागन बनाए, हेक्सागन हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो,
लेकिन जो मेरा फेस बनने वाला है वो क्या बनेगा, हमेशा ट्रायंगुलर फेस बनेगा, ध्यान रखना भाई। किसके केस में? पिरामिड के केस में, ठीक बात है। तो मेरा फेस क्या हुआ, जहाँ पे मेरे तीन पॉइंट्स मिलके बनेंगे, कौन से? दो तो मेरे एच वाले और एक ऊपर अपेक्स वाला, ठीक है, मेरे तीन पॉइंट मिल गए। तो मेरा कौन सा है फेस भी इसके अंदर? ओ ए बी, ओ ए बी, इस फेस को ये क्या बोल हो गया, इसका एक फेस हो गया। फेस कितने पॉइंट से मिलकर बनता है? तीन पॉइंट से। तो ट्रंक कौन कौन सी होगी हमारे पास? अभी पहले हमने बेस के बारे में पता किया, उसके बाद मुझे कॉर्नर का पता चला, उसके बाद मुझे एच का पता चला, उसके बाद मुझे फेस का पता चला, ठीक है। और जो ऊपर टॉप में पॉइंट होता है वो हमने स्टार्टिंग में बताया था, क्या होता है? अपेक्स या वर्टेक्स। हम क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? अपेक्स और वर्टेक्स, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू किसके, किसके? पिरामिड के, ठीक है। एक और टर्म है स्लांट और इंक्लाइंड एज, स्लांट और इंक्लाइंड एज। भाई ये दो पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं? एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके भी तो एक लाइन बना रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके भी तो एक लाइन बना रहे हैं। कैसी है? इंक्लाइंड लाइन है, स्लांट है ना। ये जो पॉइंट है ओ डी क्या बना रहा है? इंक्लाइन लाइन बना रहा है। ओ बी क्या बना रहा है? इंक्लाइन लाइन बना रहा है। ओ ए क्या बना रहा है? एक इंक्लाइन लाइन बना रहा है। तो ये भी क्या है? हमारे एजेस हैं, लेकिन कैसे हैं? इंक्लाइंड हैं, ठीक बात है ना। तो ये भी क्या हमारे कौन से हैं? स्लांट और इंक्लाइंड एजेस, ठीक बात है। तो हम सारी क्लियर है भाई, इसके रिगार्डिंग? पिरामिड के रिगार्डिंग, ठीक बात है। अब हम बात करते हैं सेकंड, पहला हमारा पिरामिड हो चुका है, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रिज्म की, उसके बाद हम बात किसकी करेंगे? प्रिज्म की। प्रिज्म में और पिरामिड में डिफरेंस क्या है, हम दोनों ले लेते हैं। ये हमारा क्या था? पिरामिड। ये हमारा क्या है? प्रिज्म। ये हमारा क्या है? प्रिज्म। यहाँ पे देखो नीचे एक पर्टिकुलर शेप का क्या था? बेस था। यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर शेप का क्या है? बेस है। ऊपर क्या था? एक सिंगल पॉइंट था, अपेक्स था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है प्रिज्म के अंदर? अपेक्स नहीं होता। बिल्कुल सेम डिटो जैसा बेस बॉटम में होता है वैसा टॉप पे बेस होता है, ठीक है। जैसा हमारी शेप नीचे होती है बिल्कुल एग्जैक्ट शेप हमारी कैसी होती है? ऊपर होती है। अगर यहाँ पे स्क्वेयर होगा नीचे बॉटम में तो ऊपर भी स्क्वेयर होगा, नीचे पेंटागन होगा तो ऊपर भी पेंटागन होगा, नीचे हेक्सागन होगा तो ऊपर भी हेक्सागन होगा, ठीक बात है। वो हमारा क्या बनता है? प्रिज्म बनता है, ठीक बात है। अब बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म हमारा कुछ ये को कौन सा प्रिज्म? अभी ये बेस कैसा है? स्क्वेयर है। तो ये कौन सा प्रिज्म हो गया? स्क्वेयर प्रिज्म। प्रिज्म भी कौन कौन से होते हैं? स्क्वेयर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कोई भी शेप का कोई भी टाइप का हमारा क्या होता है? प्रिज्म हो सकता है, ठीक बात है, ठीक बात है। उसके अंदर भी वही बात मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें किससे शुरुआत हुई है? बेस से। सबसे पहले हमारे पास क्या है? बेस कैसा है? स्क्वेयर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बात किसकी? कॉर्नर की। कॉर्नर कौन सा होता है? 1 2 3 4 कोई भी कॉर्नर हो सकता है आपका, सिंगल पॉइंट। कॉर्नर मीन्स सिंगल पॉइंट, कॉर्नर मीन्स सिंगल पॉइंट, कॉर्नर मीन्स सिंगल पॉइंट, ठीक बात है। कोई भी नेमिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पे नेमिंग इम्पोर्टेंट होती है सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर अगर मैं बात करूँ प्रिज्म की तो नेमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। एक बेस यहाँ पे कितने हो गए? दो हो गए। वहां पे क्या था? पिरामिड में क्या था? सिर्फ एक बेस था, ठीक है। तो नेमिंग एबीसीडी मैंने कर दी थी, ठीक बात है। और ऊपर वाले अपेक्स को मैंने क्या दिया था? ओ, कोई भी नाम मैंने दे दिया था। इस बार क्या है? एक बेस नीचे है, एक बेस मेरा ऊपर है, तो दोनों की नेमिंग मुझे अलग अलग करनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोशिश करना, कंफ्यूजन को कम करेगा आपका। एक जगह तो आप अल्फाबेट यूज करना ए बी सी डी ई, ठीक है, और एक जगह आप न्यूमेरिक वैल्यू यूज करना 1 2 3 4 5। एक वैल्यू को जब मैं इसका करूंगा हूँ, मुझे टॉप व्यू देखना है, इसका टॉप व्यू देखना है, तो मुझे ऊपर से क्या देखोगे? ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? न्यूमेरिक वैल्यू भी रिप्रेजेंट करेगा और अल्फाबेट भी रिप्रेजेंट करेगा। एक पॉइंट दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जब मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको? न्यूमेरिक वैल्यू भी लिखोगे और आप अल्फाबेट भी लिखोगे। ए के साथ कौन साइड करोगे? 1 को। बी के साथ करोगे? 2 को। सी को करोगे? 3 के साथ। तो इससे आपके मिस्टेक्स होने के कम चांसेस हो जाएंगे बेटा, ठीक है। हमेशा ऊपर वाली को न्यूमेरिक वैल्यू रख लो, नीचे वाली को अल्फाबेट रख लो, या नीचे वाली को न्यूमेरिकल और ऊपर वाली को अल्फाबेट, तो उनको सेपरेशन रखो, मिक्स मत करना कभी भी, नेमिंग को कभी भी मिक्स मत करना बेटा, ठीक बात है। हमने क्या कहा? बेस हमारा नीचे जैसे शेप होगी वैसा हमारा नेमिंग होगी हमारे प्रिज्म की, ठीक है। उसके बाद बेस हो गया, बेस के बाद हमने क्या बात की? कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स के बाद हम क्या बात करेंगे अभी? एजेस की। वही बात फिर, एजेस हमारे पास कौन से? ए, 1 और 2 पॉइंट को मिलकर हमारा क्या बनता है? एक सिंगल एज बना। 2 और 3 को मिला के सिंगल एज बना। 3 और 4 को मिला के फोर्थ, यहाँ पे ये हमारा एक एज ही बन गया, ठीक बात है। ये हमारे इस तरह एज हो सकते हैं। अब हमारे पास वहां क्या था? यहाँ पे क्या था? स्लांट और इंक्लाइंड एजेस थे, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई इंक्लाइंड एज नहीं होता, तो
प्रिज्म के अंदर कोई भी इंक्लाइंड एज नहीं होता, बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं बेस के साथ, ऐसे होते हैं परपेंडिकुलर स्ट्रेट एज होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेट एजेस होते हैं, कोई इंक्लाइंड नहीं होता, स्लांट नहीं होता भैया, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। फिर बात करते हैं फेसेस, फेस यहाँ पे कितने पॉइंट से मिलकर बना था भाई, पिरामिड के अंदर फेस कितने पॉइंट से मिलकर बना था, 1, 2, 3 तीन पॉइंट से मिलकर बना था भाई, 1, 2, 3 दो हमारे एज वाले और एक ऊपर अपेक्स वाला, लेकिन यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट से मिलकर बनेगा, 1, 2, 3, 4 कितने पॉइंट से मिलकर बनेगा, 4 पॉइंट से मिलकर बनेगा हमारा एक फेस। यहाँ पे मेरा फेस कैसा बन रहा था, ट्रायंगुलर बन रहा था, हमारा सरफेस को हो या फेस को हो कैसे बन रहा था, ट्रायंगुलर बन रहा था, लेकिन हमारा प्रिज्म के केस में मेरा फेस कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा, और कितने पॉइंट से मिलकर बनेगा, 4 पॉइंट से मिलकर बनेगा, 1, 2, 3, 4 इन 4 पॉइंट से कौन कौन से, AB 1, 2 हमारे पॉइंट कौन से होंगे, AB एंड 1, 2 ये हमारा मिलकर क्या बना रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन बना रहा है, ये हमारा क्या बना रहा है, रेक्टेंगुलर प्लेन बना रहा है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ध्यान करो इस चीज को, ठीक है। तो हमारे पास जो फेस होंगे किसके केस में, प्रिज्म के केस में, वो कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे, ठीक बेटा, ठीक बात है। तो हमारे पास क्या होगा इसके अंदर भाई, पिरामिड में क्या था, हमारे पास नीचे सिंगल बेस था, ऊपर अपेक्स था, प्रिज्म के केस में दो बेस होंगे, बॉटम में भी और टॉप में भी हमारे पास दो फेसेस होंगे, यहाँ पे हमारे पास इंक्लाइंड और स्लंट एजेस होंगे, प्रिज्म के केस में हमारे पास स्लंट एजेस नहीं होंगे, बिल्कुल हमारे पास वर्टिकल एजेस होंगे, ठीक भाई, आप एज लिख सकते हो, वर्टिकल एज लिख सकते हो, कॉर्नर होगा हमारे पास, एज होगा हमारे पास, बेस होगा सिमिलर इससे हमारे जैसा प्रिज्म के केस में, पिरामिड के केस में था, ठीक बेटा, ठीक है, दो चीज क्लियर है। उसके बाद हमारी बात आती है किसकी, कोण की, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कोण की, कोण के कैसे शेप होती है, ये कुछ होता है कोण कुछ ऐसे होता है, क्या होता है, नीचे एक सर्कुलर शेप होती है, जो बेस होता है वो हमेशा फिक्स है, वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। अब ये चीज वैरायटी यहाँ पे नहीं है, स्क्वायर ट्रायंगुलर पेंटागन हेक्सागन ये वैरायटी नहीं है इसके अंदर, कोन के अंदर जो मेरा बेस होगा हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और ऊपर क्या होगा, ये किस तरह का शेप हमारी, वे हमारे पिरामिड की तरह, पिरामिड की तरह ऊपर जैसे अपेक्स होता है, यहाँ पे हमारी सिमिलरिटी है, इसके ऊपर भी क्या होता है, अपेक्स होता है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओ पॉइंट होगा हमारे पास, क्या होगा, अपेक्स होगा, नीचे जो बेस होगा वो कैसे शेप का होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या दिखा है, चला है बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, चेन लाइन, चेन लाइन जो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। मैंने क्या कहा था, सॉलिड का जब भी क्वेश्चन आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, एक्सिस के अकॉर्डिंग आता है, एक्सिस की बात करता है, जो हम हाइट लेते हैं कहां से लेते हैं, हम एक्सिस से लेते हैं, ठीक बात है। हमने क्या किया है इसके अंदर, क्या रिप्रेजेंट की है, एक्सिस, हमने पिरामिड में और प्रिज्म में हमने एक्सिस शो नहीं की, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर एक्सिस होती ही नहीं, होती है हमेशा, जब भी कोई भी सॉलिड होगा हम उसकी एक्सिस जरूर दिखाएंगे, जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे उसके बिना हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, जो भी इंक्लाइनेशन वो देगा मैक्सिमम टाइम आपको वो एक्सिस के अकॉर्डिंग ही देता है, ठीक बात है। तो एक्सिस हर एक केस में होती है, हर एक सॉलिड में होती है, ठीक बात है बेटा, ठीक है। ये कौन सा केस है, इसके अंदर क्या होगा, बेस कैसा होगा मेरा, सर्कुलर बेस होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड लाइन, अभी इंक्लाइंड लाइन है, इसको हम स्लांट या इंक्लाइंड एज नहीं बोलते, ध्यान रखना इस चीज का, इसको हम बोलते हैं जनरेटर। कोण के केस में हमारे पास क्या होता है, बेस होता है कैसा, सर्कुलर, और जो हमारे पास स्लांट लाइंस होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, हम इसको कभी भी इंक्लाइंड एज नहीं बोलते, ध्यान रखना भाई कोण के केस में, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास पिरामिड के अंदर क्या था, अपेक्स था, वैसे हमारे पास पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं अपेक्स या वर्टेक्स। हमारे पास क्या होता है, जनरेटर, हमारे पास बेस क्या होता है, सर्कुलर, ठीक बात है बेटा, ठीक बात है। इसके अंदर हमारे पास एजेस नहीं होते, ध्यान रखना इसके अंदर कोई एजेस वगैरह नहीं होते हमारे पास कोन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर, हमारे फोर्थ सॉलिड की, ठीक है। कैसा सिलेंडर, ये होता है हमारा, क्या होता है सॉलिड में, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में और प्रिज्म में सिमिलरिटी है, जैसे मैंने सिमिलरिटी को दिखा रहा इसके कोन में और पिरामिड के अंदर सिमिलरिटी दिखाई थी, ऐसी ही सेम सिमिलरिटी किसके अंदर होती है, सिलेंडर और प्रिज्म के अंदर। क्या होता है, नीचे बेस जैसा यहाँ पे कोन के अंदर होता है, वैसे कोन में क्या होता है, सर्कुलर ही होगा, ध्यान रखना। इसकी सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर के अंदर हमारा जैसा बेस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कुलर जैसा बॉटम में होगा वैसा ही टॉप पे होगा, ध्यान करना। सिलेंडर के केस में हमेशा जो बेस होगा वो सर्कुलर होगा और टॉप भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा, जैसे कि कंडीशन हमारी किसमें थी, प्रिज्म के अंदर थी। प्रिज्म के अंदर हमारा क्या था, जैसा हमारा बेस होता था, जैसे शेप का अगर स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, वो वैसा ही मेरा टॉप होगा,
सेम चीज यहाँ पे है, जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा, लेकिन वो शेप डिफाइंड है सिर्फ एक, वो कैसी है? सर्कुलर, ठीक है? वो क्या है? सर्कुलर, ठीक है बेटा? यही जो साइड होती है हम उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर, ठीक है? इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इसको एजिस वगैरह नहीं कहते, सिलेंडर के अंदर हम क्या करते हैं, इसको एजिस नहीं कहते, हम क्या बोलते हैं, इसको जनरेटर बोलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ चार सॉलिड्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर हमारे चार ही सॉलिड हैं, प्रिज्म, पिरामिड, कोन और सिलेंडर, ठीक है? ये चार सॉलिड हैं जो जिसके बेसिक डेफिनेशन टाइप मैंने आपको बता दिया है। टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं इन सॉलिड्स के अंदर, आपकी टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं, इन टर्म्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ये टर्म्स आप भूल जाते हैं तो आप क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक बात है बेटा? तो ये हमने कुछ एक बात की है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की, स्टार्टिंग से पहले एक जनरल लेक्चर है ये, जिसमें मैंने आपको टर्म्स को डिफाइन किया है, ठीक बात है? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? वहां से मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।